आज पुलिस लोग मिलके मुझे घेर के धमकाते डराते, लेकिन मैं भी श्री राम जी की भक्ति में लीन हूँ। मैं बिल्कुल इन लोगों से नहीं डरती हूँ। मैंने भी बढ़ चढ़ के इन लोगों को जवाब दिया है। योगी जी, आप केवल उत्तर प्रदेश में ही फेमस नहीं हो, आपको केवल उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं पसंद करती, पूरा भारत आपको पसंद करता है। जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री राम। मेरा नाम है शबनम शेख, मैं मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा कर रही हूँ राम जी के दर्शन के लिए, और मुझे आज हो चुके हैं टोटल 36 डेज। दोस्तों ये वीडियो कोई व्लॉग नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ही सीरियस मैटर पे वीडियो बना रही हूँ, महिला के सुरक्षा को लेके वीडियो बना रही हूँ। आपको सुनने में अजीब लगेगा कि प्रशासन जो सरकार है एक महिला के सपोर्ट के लिए, एक महिला को सुरक्षा देने के लिए पुलिस वाले को रखते हैं, और वो पुलिस वाला ही उससे बदतमीजी करे, उनके चरित्र पे सवाल उठाए, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? रक्षा की भक्षक बन जाए। दोस्तों मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ख़ास करके मैं योगी जी के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, उत्तर प्रदेश की धरती पे खड़ी हूँ, उत्तर प्रदेश में खड़ी हूँ, ये उम्मीद नहीं थी मुझे उत्तर प्रदेश के पुलिस से। दोस्तों मैं अपने आप को एक भारतीय सनातनी मुसलमान कहती हूँ, महाराष्ट्र से 36 दिन पहले निकली थी, हमें वहाँ पर सिक्योरिटी दी गई। महाराष्ट्र की पुलिस ने बहुत ही अच्छे से हमारा स्वागत, सत्कार, मान सम्मान, प्यार दिया, किसी भी चीज़ की कमी हमें आने नहीं दी। सेम चीज़ मध्य प्रदेश में भी हुई, मध्य प्रदेश में भी जनता का इतना प्यार मिला, वहाँ की पुलिस का इतना प्यार मिला, वहाँ के जो सरकार है उनका भी बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छा लगा। फिर एमपी क्रॉस करके मैं उत्तर प्रदेश में आई, उत्तर प्रदेश में भी सब कुछ ठीक रहा। आप मेरे 36 दिन के वीडियोस देख लो, कहीं पर भी कोई शिकायत, कोई मतलब बोलते हैं ना रोना धोना आपको दिखेगा नहीं। लेकिन मैंने कल एक वीडियो डाला इंस्टाग्राम पे, फतेहपुर जिला है और हुसैनगंज थाना है, वहाँ के जो 3-स्टार पुलिस है, SHO बोलते हैं शायद उत्तर प्रदेश में, उन्होंने इतनी बदतमीज़ी की मेरे साथ, इतनी बदतमीज़ी की, इवन जो मेरे साथ जो 3 लड़के हैं उनको बंदूक दिखा करके धमकाया भी गया। दोस्तों मतलब राम राज में ये हो रहा है, मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि योगी जी के राज में राम भक्तों को बंदूकें दिखा करके धमकाया जाएगा, वो भी कौन धमकाएगा, जो पुलिस हमें सुरक्षा दे रही है वो पुलिस हमें धमकाएगा? इससे पुलिस प्रशासन का तो नाम खराब होता ही है, लेकिन हमारे प्यारे योगी आदित्यनाथ जी, जिनको मैं बहुत ही ज़्यादा दिलों से मानती हूँ, उनके लिए कई कई बार वीडियोस बनाए उनके समर्थन में, जितने भी विरोधी हैं उनको मैंने जवाब तक दिया है, उनके राज्य में उनकी पुलिस हमारे से बदसुलूकी कर रही है, तो आप सोच लो आम जनता से कितना ये लोग करते होंगे। दोस्तों मैं सही में कह रही हूँ, उस पुलिस वाले ने मुझे इतनी गंदी गंदी बात बोली, इतने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया है कि मैं क्या ही बोलूँ। मैं अकेली लड़की 3 लड़कों के साथ हूँ, तो मेरे चरित्र पे सवाल उठाया जा रहा है कि 3 लड़कों के साथ निकली हुई हो, पैदल यात्रा कर रही हो, या गुलछर्रे उड़ा रही हो, या मौज मस्ती कर रही हो, इस तरीके के शब्दों का उपयोग किया गया। जस्ट इसलिए क्योंकि हम रात के समय थोड़ा अंधेरा हो गया था, मैं जस्ट आराम करने के लिए बैठ गई थी, इसीलिए सर ने, जो पुलिस सर है, उन्होंने मुझे इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया और मुझे बहुत जलील किया उन्होंने, मैं क्या ही बोलूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं बैठ गई थी। मैं थकूंगी तो मैं बैठूंगी भाई, मैं भी इंसान हूँ, मैं पैदल यात्रा कर रही हूँ, मैं थकूंगी। और मेरे जितने मेरे जो मेल फ्रेंड्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, मेरे पैर में दर्द होता है या हाथ में दर्द होता है, हमारे पास बैग रहता है, बहुत वज़न है, 15-15, 20-20 किलो का वज़न है हमारे पास, मेरे दोस्त हमारा हाथ पैर दबा देते तो ये हमारे चरित्र पर सवाल उठाते हैं, हाथ पकड़ के हम चलते तो ये हमारे चरित्र पर सवाल उठाते हैं। भाई इंसान को एक सहारे की ज़रूरत होती है, और ये दोस्त मेरे सहारा है, ये सभी सनातनी भाई मेरे सहारा है, और ये जितने भी लोग मेरे साथ 3 लोग चल रहे हैं, ये सनातनी लोग हैं, इनके दिल में ना खोट है, ना पाप है, ना कुछ है, हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, एक दोस्त के मर्यादा में रह के अपना कार्य करते हैं, जो करना चाहिए वो करते हैं, चाहे वो हम पब्लिकली करें या प्राइवेटली करें, और हमारी लाइफ तो पूरी पब्लिक हो चुकी है भाई, हम रास्ते में चलते हैं। आप ये एक्सपेक्टेशन रखोगे कि हमें पैर दुख रहा है, कंधा दुख रहा है, तो हम रूम में जाके करेंगे कोई चीज़? नहीं भाई, हम जहाँ हमें जगह मिलेंगी हम वहीं पर करेंगे वो चीज़। तो पुलिस वालों से यही रिक्वेस्ट है, और सरकार से मुझे यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे पुलिस वालों को ना मतलब आप सबक सिखाइए, क्योंकि इससे पुलिस प्रशासन का ही नाम नहीं खराब होता है, आपके भी छवि पे सवाल उठती है,
मैं सच में कह रही हूँ योगी जी, 5 पुलिस लोग मिलके मुझे घेर के धमकाते डराते, लेकिन मैं भी श्री राम जी की भक्ति में लीन हूँ। मैं बिल्कुल इन लोगों से नहीं डरती हूँ। मैंने भी बढ़ चढ़ के इन लोगों को जवाब दिया है। और हाँ, फतेहपुर की पुलिस ट्विटर पे एक छोटा सा ही आप देख सकते हो, ये डाल के बोलती है कि हमने जाँच की और हमें पता चला कि ये सुरक्षा के तहत बोला जा रहा था। भाई जांच की होती ना तो दोनों तरफ से जांच होती है, एक तरफ से जांच नहीं होती है। आपने अपने पुलिस वालों की तो बात सुन ली, हमारी बात कौन सुनेगा? आपने हमसे आके एक बार भी पूछा? हम वहाँ से निकल गए, हुसैनगंज से निकले, लेकिन एक पुलिस वालों का ना कॉल आया। उनका एक प्रोटोकॉल होता है कि भाई इनको सुरक्षा दी गई है तो इनको मिलने आए, देखने आए, लेकिन इनको इनमें इतनी भी शर्म नहीं है भाई कि इन्होंने हमें एक कॉल भी नहीं की, ना इनकी पुलिस हमारे दरवाजे पे आई कि ये लोग कैसे हैं कैसे नहीं है। तो मैं बता रही हूँ भाई, इतने लापरवाह पुलिस है ना, मैं क्या ही बोलूँ। पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, केवल और केवल फतेहपुर हुसैनगंज के पुलिस की बात कर रही हूँ। अब अयोध्या में कुछ ही टाइम में पहुँच जाऊँगी, 1-2 दिन 3 दिन में, लेकिन अब आगे पता नहीं हमारे साथ कितना अच्छा होगा, कितना मिसबिहेव होगा नहीं पता। बस राम जी के भरोसे निकली थी, राम जी के भरोसे मैं जा रही हूँ। बाकी राम जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इस 35 दिनों में उन्होंने मुझे कोई भी ऐसा दुख का सामना करना ना पड़े ऐसा कोई दिन नहीं दिखाया है। लेकिन कुछ तुच्छ व्यक्ति होते हैं ना, उनके वजह से दिन खराब ही हो जाता है। लेकिन राम जी की भक्ति में हम इतने लीन हैं कि इन लोगों को मैंने माफ़ किया। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि योगी जी आप माफ़ नहीं करना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।